अंडरस्टैंड, आपने पहले जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें बहुत प्रॉब्लम आई। अब इंसानों के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन इस बार मैं किसी और के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला, मैं खुद जा रहा हूँ। मेरी नजर में आपकी डिवाइस अप्रूव नहीं है, अगर ये बैकफायर हुआ तो आपको मौत की सजा मिल सकती है। मुझे मरने से डर नहीं लगता प्रोफेसर, अब मेरा सपना पूरा हो चुका है। इस मशीन से हम कई साल आगे और कई साल पीछे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, हमें जो नहीं पता है वो भी पता कर सकते हैं, होने वाली गलतियों को भी सुधार सकते हैं। इसकी वजह से हमारी दुनिया में फिर से शांति कायम हो सकती है। प्लीज, आपका इंटेंशन अच्छा है, पर यहाँ मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। इन सब के लिए ISL की अप्रूवल चाहिए और इसके लिए आपकी क्लेम सीरियस होनी चाहिए। इंटरनेशनल साइंटिस्ट अभी थ्योरी पर ही बात कर रहे हैं, जबकि आपका कहना है कि आपने टाइम मशीन ढूंढ ली है, ये नामुमकिन है। वेट, आपको इसी समय मैं अपनी टाइम मशीन का डेमो दिखाता हूँ, ये मुमकिन है। प्लीज स्टे ऑनलाइन प्रोफेसर। वेट, कुछ भी हो मैं अभी आपको टेस्ट करने की परमिशन नहीं दे सकता। मैं अपने डॉगी राइका को भेज रहा हूँ। ये डिवाइस एग्जैक्टली 50 साल पीछे ट्रैवल करके 2015 में पहुंचने वाली है। वहां पहुंचते ही 5 सेकंड में ही इस मशीन का कैमरा अपने आसपास के इलाके की तस्वीरें, उसके बाद अगले 30 सेकंड में इसके वापस आने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो एस्टिमेटेड ट्रैवल टाइम 40 सेकंड्स। और अगर ये मशीन लौट के नहीं आई तो? जरूर लौट कर आएगी। इनकेस 40 सेकंड्स में डिवाइस लौट कर नहीं आई तो अगले 10 सेकंड्स में डिवाइस में एक्टिवेटेड ये जो लिक्विड एक्सप्लोजिव है इसके फटने की प्रोसेस चालू हो जाएगी और ये डिवाइस किसी के हाथ नहीं लगेगी। ज्योतिष शास्त्र कोई आज या कल का शास्त्र नहीं है, हमारे दादा परदादाओं के जन्म के पहले सिद्ध लोगों द्वारा बनाया गया वैज्ञानिक शास्त्र है। कितने भी युग बीत जाएं और कितने भी विज्ञान आ जाएं, पर इस विज्ञान को कोई भी बैठ जाइए। इसके आगे मैं बताता हूँ, आज आप लोगों में से कुछ लोग नहीं, असल में सभी लोग बिना गहराई से ही पढ़े लिखे पैसे के लिए ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं। इसी वजह से लोगों का विश्वास ज्योतिष शास्त्र से उठता जा रहा है। इसी वजह से हमने संघ की बैठक बुलाई और सबका निर्णय है कि परीक्षा ली जाए। आप लोगों में से कितने लोग ओरिजिनल है, कितने डुप्लीकेट है, ये परीक्षा में पता चल जाए। सभी लोगों को एक एक कुंडली लिखने के लिए दी जाएगी, कॉपी करने की कोशिश मत करना। यार, हम लोग गाइड बुक रख के एग्जाम दे सकते हैं? पूछता हूँ शास्त्री जी, हम लोग गाइड बुक रख कर एग्जाम दे सकते हैं ना? मुकेश, इस बेवकूफ को यहाँ से बाहर लेके जाओ, ये सब ज्योतिष बनके क्या करेंगे? पता नहीं इनका भविष्य क्या होने वाला है, किसी को और कोई संदेह हो तो पूछ लो। अरे भाई, ये इतना बोल रहे हैं, इन्होंने कभी परीक्षा दी हो? सही कहा मित्र। गुरु जी, क्या है, आप लोगों ने भी ऐसी परीक्षा दी थी क्या? अभी मैंने एक को बाहर भेजा है, तू बैठ के लिखेगा या बाहर जाएगा?
श्री गणेशाय नमः। गुरु शनि राहु, तो फिर योग होगा। कार्तिक माह के मेष राशि के हिसाब से इस कुंडली वाले के नाम का पहला अक्षर ई होगा। सही है। रंगो, एक नाम लिया तो तीन लोग खड़े हो गए। पेंसिल से जिसने एप्लीकेशन लिखा वो कौन है? सर, मैं हूँ सर। बॉस, 5 रुपए हैं क्या? 10वें स्थान का पर्वत ऊंचा है, और यानी कि ये कुंडली वाला किसी के नीचे काम नहीं करेगा, खुद का बिजनेस करेगा, एक पांव पे खड़ा रहेगा। क्या बोलना चाहते हो खुद ही बोल दो। सर, वाइन शॉप की यूज की हुई बॉटल्स है ना सर, तो उनके स्टिकर्स निकाल कर उन्हें क्लीन करके वापस नया बनाने के लिए हम मशीन ले रहे हैं सर। ये तो हाथ से भी किया जा सकता है ना सर। इतने दिनों से हम ऐसे ही तो करते आ रहे हैं। अपने देश के लोग कितनी स्पीड से बोतल खाली कर रहे हैं, उसी स्पीड से हाथ से बोतल धोना नहीं होता, इसलिए तो इसीलिए मशीन लेना चाहते हो। करेक्ट सर। टोटल अमाउंट 10 लाख तुम लोन ही लोगे तो खुद क्या डालोगे? सर, मैं मेहनत डालूंगा ना सर। संभल के भाई, ये तू मेरे ऊपर मत डाल देना। कुछ भी, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी मशीनों के आइडियाज हैं। 20 लाख वैल्यू वाली सिक्योरिटी जमा करो, तब फिर हम आगे बात करेंगे। सर, मेरे पास सिर्फ आइडिया और मेहनत ही है सर। सर, हमारे देश में इसी की तो कमी है। गन्ने के चूरे से करंट निकालना, कॉटन से चश्मे का फ्रेम बनाना, इस देश में आइडियाज की कमी नहीं है बेटे। तुम्हारी तरह मेहनत डाल रहे हैं, अचार डाल रहे हैं, ये सब बोल के यहाँ से बहुत सारे लोग भाग चुके हैं। सर, इंटरनेशनल बैंक वाले लोन दे रहे थे, लेकिन मैंने ये सोचा कि अपने ही बैंक से ले लिया जाए। बस करो बेटे, इससे पहले भी बहुत सारे लोग यही बात बोलकर जा चुके हैं, अब तुम भी यहाँ से जाओ। किसी की बात पे नाराज नहीं होगा, नए नए आइडियाज इसके दिमाग में आते रहेंगे, हर नई सांस के साथ नई सोच। माल के बिजनेस में 1 साल में 3 करोड़ का टर्नओवर, भरोसा नहीं होता। ऐसा होता है क्या? होता है सर। फर्स्ट क्वालिटी का 70,000 रुपए किलो में जाता है। सर, तो फिर ये 8,000 किलो में जाता है, बताया होगा। हाँ सर, तू जो बाल यहाँ बेचने आया है ना, वो 45 रुपए किलो है। सर देखिए, मजाक मत कीजिए। सर देखिए, सभी के घर से 1,000 रुपए किलो से उठाए हुए बाल हैं सर। सुन, तू जो 300 किलो यहाँ लेकर आया है ना, उसके 14,000 ही मिलेंगे। सर 3 लाख रुपए डाले हैं सर। सर अच्छे से चेक कीजिए ना आप, कितनी लेंथ है देखिए सर। देख भाई, बाल चाहे जितना बड़ा हो, दाम वही रहेगा। बिजनेस का स्तर ऐसा है, प्यार का स्तर महिंद्रा अधिपति और शादी का स्तर 7वां अधिपति, ये दोनों साथ में खेलेंगे। इसका मतलब ये कुंडली वाला किसी से प्यार करता होगा। कैसी दिखती है लड़की? लड़की तो बहुत गोरी दिख रही है, ये चलेगा? चलेगी मम्मी। ए, मैं तुझे नहीं उस लड़की को पूछ रही हूँ। माँ, इसके लिए तो ऐसा बोल रही है, उसके पापा कौन है पता है? कोई भी हो, मुझे क्या, समझी होंगे ना। माँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सच में मुझे बहुत पसंद है। डोसा चल रहा है देखो। इस समय 7वें अधिपति का स्थान सोचनीय स्थिति में है,
इसलिए इस प्यार का विवाह में परिवर्तित होना मुश्किल लगता है। काम करने वाला करोड़पति बना है ऐसा सुना है क्या? पर बिजनेसमैन कर्जदार बना है ऐसा जरूर सुना है। रिस्क लेने से जो डरते हैं वही काम पर जाते हैं। बीच पर पानी पूरी बेचने वाला सेठ जितना खुश होता है उतना लाख रुपए कमाने वाला आईटी कंपनी का स्टाफ भी खुश नहीं होता। ये बताओ अपने पापा से क्या बोलूं कि तुम क्या करते हो? पानी पूरी बेचने वाले सेठ हो? सीरियस हो जाओ ना। थोड़े दिन रुक जाओ, मैं जो कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट वर्कआउट हो जाने दो, उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। 2 साल से तुम मुझे यही कहते आ रहे हो और 1 महीने का टाइम दे रहे हो, उसके पहले ही तुम कुछ कर लो। अगर वर्कआउट नहीं हुआ तो काम पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, अगर इस बार मेरी बात नहीं मानी तो हमेशा के लिए मुझे भूल जाना। अनु, तो इस तरह ये कुंडली वाले के जीवन में इतना संकट है, फिर भी ये ताश के पत्तों के राजा की तरह बहुत ही प्रसन्न रहेगा। नमस्कार महेश, गाड़ी ले लो भाई। और थोड़ा सा टाइम दे दो ना, मैं दे दूंगा। तुम्हें जो ब्याज देना है उसी के लाख रुपए से ऊपर हो गए। ब्याज में गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। हे, गाड़ी लेकर आओ भाई। भाई, 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 गाड़ी के बिना बहुत मुश्किल है। भाई, प्लीज, भाई। हाँ बोल। अरे वो गाड़ी छीन के ले गया। हे, एग्जाम में हूँ, डिस्टर्ब मत कर। ए, मैं बीच रास्ते में खड़ा हूँ यार। तो थोड़ा साइड में खड़ा हो जा। सर सर, प्लीज सर। फिलहाल तो इस कुंडली वाले का योग ऐसा बना हुआ है कि इसे बीच रास्ते में ही खड़ा रहना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कुंडली वाले के साथ जो भी रहेगा उसकी भी कुंडली खराब हो जाएगी और वो भी सड़क पे आ जाएगा। इन सब के लिए भी एग्जाम होती है क्या? हाँ, बहुत सारे फ्रॉड ज्योतिष भी होते हैं ना, उनको ढूंढने के लिए इस तरह के एग्जाम रखने पड़ते हैं। क्या होगा? ऐसा नहीं है, पूरे मन से अपना पूरा ज्ञान लगाकर तेरी कुंडली लिखी है मैंने। मेरी कुंडली लिखी है? किस लिए? तो मैं जानता हूँ इसलिए। हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए वो लोग तुम्हें कॉल करें। तुम्हारी लाइफ में जो जो हुआ वो सब उन्हें वैसे ही बता देना। अबे इसे पेशा बनाने वाला है। एक फोन है। हाँ जी, आपके लिए कस्टमर आया जी। मैं फोन पे रहता हूँ, तू बात कर उससे। ओके जी। शुभ हो, शुभ हो। किसी और ज्योतिषी से आपने पहले कंसल्ट किया है क्या? नहीं स्वामी जी, पहली बार आया। जब मेरे एक पहचान वाले ने ज्योतिषी को दिखाया तो उसके लड़के की शादी हो गई। हो गई? हाँ, पर हमारे घर पे शादी का दिन बढ़ता ही जा रहा है तो हमने विचार किया ज्योतिषी को दिखाएंगे तो हमारे घर में भी शादी का योग बन जाएगा। शुभ हो। जिसकी शादी का दिन बढ़ रहा है उसे लेकर आते। जिसका शादी का दिन बढ़ रहा है वो मैं ही हूँ। शुभ हो। हाँ जी, ये सब क्या है? जब इस बोर्ड को कोई देखता ही नहीं तो इस बोर्ड का क्या मतलब? एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ खड़े होने की जगह नहीं रहेगी बहन जी। जिस दिन ऐसा होगा साड़ी डालना बंद कर दूंगी। रियली? अरे चल भाग। तो अंदर चल, मैं आता हूँ। अब आप ज्योतिष जी महाराज के पास आ गए ना। गुड मॉर्निंग। आप किसी भी चीज के लिए फिक्र मत कीजिए, आपके मन के हिसाब से सब अच्छा ही होगा, सब ठीक होगा। धन्यवाद स्वामी। स्वामी, मेरा नाम सोम सुंदरम है, मैं दूर गांव से आ रहा हूँ। सबके गले में हीरे का हार होता है, तुम्हारे गले में नहीं है, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? स्वामी आप भगवान हैं। हार बरसेंगे, देवी माँ तेरे लिए हार बना रही है, चिंता मत कर। जैसी आज्ञा स्वामी। कभी कभी क्या तुम्हारे छत पे कौवा बैठता है? हाँ स्वामी। प्रॉब्लम तो है, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले यहाँ चले आना, तुम्हारे शनि को भगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। स्वामी आपको तो पता ही होगा मेरी कुंडली में जन्म राशि में राहु दोष है, इसका कुछ हो सकता है क्या? इसे रोज एक एक खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी अरे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। अब कुछ स्थानीय आधा कर्जा तो चुकता हो जाएगा। गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है, राज्य सरकार इसे रोकने का पूरा प्रयास कर रही है, इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट के ईमानदार ऑफिसर के रविशंकर ने पदभार संभाला है। इसके पहले भी उन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर कई शहरों से इस तरह की गुंडागर्दी को समाप्त किया है।
पत्रकारों के साथ हुए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो इस शहर से गुंडागर्दी को समाप्त करेंगे। पैसे देकर पोस्ट हासिल करने वाला ईमानदार ऑफिसर नहीं हो सकता। आप सब लोग अपनी काबिलियत के बल पर आए हैं, इसलिए आपको बुलाया है। मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है। ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं है। अब आप मेरी बात सुनिए। कन्हैया लाल के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। कन्हैया लाल का लालन पोषण नेलूर के एक गांव के पास हुआ है। 14-15 वर्ष की उम्र में चेन्नई आया, एरिया में लफड़ा करना, बोरी बांधना, सिनेमा थिएटर में ब्लैक टिकट बेचना या फिर सांप से डराना, ये सब काम उसने शुरू में किए। उसके बाद एक बड़े राउडी मार्कंडे के साथ रहकर दादागिरी करना शुरू कर दिया। स्मगलिंग के केस में 2 साल के लिए अंदर भी था सर। सर जब वो बाहर आया, आते ही उसने 1993 में नगर सेवक का मर्डर कर दिया था। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टी जब उसे सपोर्ट करने लगी तो उसके अंदर से पुलिस का डर भी खत्म हो गया। उसका कद बहुत बड़ा हो गया सर। आजकल उसका मेन बिजनेस हो गया है करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को मार पीट कर छीन लेना। जो उसकी बात नहीं मानता है उसकी फैमिली में से किसी को मार देता है। वो हमेशा बड़ी पार्टियों को ही टारगेट करता है, इसलिए उसका केस हमारे पास नहीं आता। So, कन्हैया लाल, we'll start from him. अब उसका टारगेट कौन होने वाला है? मैं जानता हूँ। ये लैंड डीलिंग अगर फाइनल हो जाएगी, तो हमारी ये मुलाकात आखिरी होगी। मैंने जो कहा वो कन्हैया लाल को समझ में नहीं आया। भाई को मत समझाओ। भाई क्या चीज़ है पहले ये समझ लो। अब तक की ज़िंदगी में चाकू रखकर डराने वालों को और बिना चाकू के डराने वालों को भी देखा है। कोई और तरीका सोचो। बहुत हिम्मत है रे तेरे में। ऐसे ही इतना बड़ा महल नहीं तैयार किया है। लेकिन सर जी, हर जगह ये हिम्मत नहीं चलेगी। सिर्फ बोलने से नहीं होता, करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। इन सबको पहचानते हैं ना? आप शादीशुदा आदमी हैं, आपकी एक बीवी है, आपकी एक बच्ची है। कुछ हो गया तो? मुझे डरा रहे हो? इन सब से डरने वाला नहीं हूं मैं। हाँ बोलो। क्यों राज रतन, शराफत की भाषा समझ में नहीं आती क्या? हाँ? ऐसे ही वो फोटो दिखाकर तुझे नहीं डरा रहा हूँ। पूरे खानदान को उठा लूंगा तो फिर वो लैंड तुम्हारा है ये बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। शराफत से साइन करके अपनी जिंदगी खत्म होने से बचा ले। इज्जत में अपनी जान मत गंवा। तेरे जैसे बिजनेसमैन को अब मैं और इससे ज्यादा इज्जत नहीं दे सकता। 2 दिन में प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जानी चाहिए, नहीं तो थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। मैं अपने पार्टनर से बात करना चाहता हूँ। तो जिससे चाहे उससे बात कर ले, लेकिन 2 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाने चाहिए। Increase speed.
20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। गर्ल, ट्रैफिक पुलिस, यस यस यस, लैब टेस्ट, ओके, ऑन रोड टेस्ट ड्राइव करेंगे तो प्रोजेक्ट सक्सेस। Engine off, lights off. क्या हुआ? जब भी मैं दुकान पे आती हूँ तो अंदर क्या करता रहता है? मिक्सी रिपेयर के लिए दिया था, क्या हुआ उसका? Actually, कॉइल खराब हो गया इसका, और कार्बन घिस जाने से स्टार्ट होने पर आरपीएम की स्पीड कम हो जाती, so centrifugal force में। ए भाई, मिक्सी घूमेगी भी कि नहीं? घूमेगी, आप कल आ जाइए। क्यों, कल क्यों आऊं? टमाटर की चटनी के लिए मेरा घर वाला मेरी जान खाए जा रहा है। कोई चालू मिक्सर दे बाबा, मुझे चटनी पीसनी है। ओ भाई, दोपहर में मसाला भी पिसवाना है, कहीं चले मत जाना दुकान बंद करके। है वो साइंटिस्ट है तो इसका मतलब क्या, सड़क पे ये पागलपंती करने की इजाजत नहीं है तुझे? कौन सी गाड़ी है ये? पक्का गाड़ी ही है ना सर? इट्स कंप्लीटली ऑटोमेटेड वॉइस कंट्रोल, सो दैट्स व्हाई। करेगा तो फाइन चार गुना ज्यादा कर दूंगा। स्कैन इंश्योरेंस कराया है ना? देयर इज नो नीड सर, इट्स नॉट अ प्रोडक्शन व्हीकल। गाड़ी का पूछ रहा हूं। आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी सर। हां बोलो। पापा को हमारे बारे में पता चल गया है। तो क्या मुझे भूल जाओ ऐसा कहा होगा? क्या ऐसा कहा होता तो ठीक होता। तो फिर उसका नाम क्या बताया? उसका नाम इलंगो है। कितने सालों से जानती हो? दो सालों से जानती हूँ, मम्मी को भी पता है। ये मिस्टर इलंगो करते क्या है? वाइन शॉप के बोतल से स्टिकर निकालना, उसे साफ करना और उसके बाद बाहर ले जाकर उसे बेचना। इस धंधे में डेली का पूरा 20,000 का प्रॉफिट है। अनु, शेयर मार्केट में मैंने ये पूछा, मिस्टर इलंगो करते क्या है? जो आज नए इकोनॉमिक डिसीजंस लिए गए हैं उनका असर पड़ा है मार्केट पर। डीएलएफ के 6 पॉइंट और एलएनटी के 200 पॉइंट नीचे गिरे हैं। तो जिस भारी गिरावट की हम बात कर रहे थे निफ्टी के साथ वही हुआ है, टोटल 200 पॉइंट नीचे। इस भारी गिरावट की वजह से शेयर मार्केट कंसल्टेंट है वो। गुड, कल बुलाओ, उससे बात करता हूँ। पापा सिर्फ वो या आंटी को भी? सिर्फ उसे बुलाओ और यहाँ नहीं, ऑफिस में। ए, सब कहते आगे बढ़ने के लिए उंगली पकड़ना, तूने तो पूरा पहुँचा ही पकड़ लिया। ए, चलना। तू ही जा, मैं यहाँ वेट करता हूँ। ये मीटिंग दूसरे दिन रख लेते तो। ए, चलो ना। शेयर मार्केट के बारे में मैं क्या जानता हूँ, तुम्हारे पापा को बताने के लिए कोई दूसरा धंधा नहीं मिला था? तो क्या ये बताते तुम कुछ नहीं करते? अब बोल दिया है, तुम ही कुछ ना कुछ करो। ये क्या है? ए, 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 क्या कर रही? क्या हुआ? ओके ना, सुनाई दे रहा है, जनरेटर चालू है। ये सब तुम्हारी वजह से। बंद हो गया? नो, और थोड़ा तेज हो गया है। नॉटी कहीं के। डरने की जरूरत नहीं है, पापा कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं करने वाले। तुम्हारे पापा सवाल करेंगे वही सबसे बड़ी मुश्किल है। ऑफिस में क्यों? चलो ना। इस फाइनेंशियल ईयर में हमें अपने मेन रेशियो को मेंटेन रखना है। कंपनी का लास्ट ईयर का प्रॉफिट रेशियो है। इलंगो। हाय। हेलो सर। गुड टू सी यू। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर कमिंग। प्लीज बी सीटेड। बैठिए। सो मिनर्वा टायर्स बहुत ही जल्द ब्लू चिप कंपनी होने वाली है।
हमारा अगला टारगेट होगा इन लोगों के शेयर्स। एनी हाउ हम लोग बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इसलिए रिस्क के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा कि ये डिसीजन लेने से पहले इंडस्ट्री के लीडिंग शेयर ट्रेडिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। और अब हमारे शेयर मार्केटिंग जीनियस आपसे बातें करेंगे। मिस्टर इलंगो आइए, आप शुरू हो जाइए, आइए प्लीज एनलाइटन अस। बाप रे, मिस्टर एलेंगो, मिनरल वाटर में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? आपको लगता है ये प्रॉफिटेबल होगा? यस सर, जरूर हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। किस बेसिस पे आप ये बोल रहे हैं? वो कौन सा बेसिस है? ये अटायर तो बहुत ही भरोसेमंद है। हाँ, 1.5 साल से मैं गाड़ी में यही यूज़ कर रहा हूँ। 20,000 किलोमीटर चली है, अब तक एक पंक्चर भी नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई। यू आर वेरी फनी मिस्टर इलंगो। नाउ जोक्स अपार्ट, मुझे भरोसा है कि आपने उस कंपनी के आंकड़ों को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। जी हाँ सर। फिर उस कंपनी के शेयर्स वॉलेटिलिटी आपके ओपिनियन में कैसे होंगे, क्या मैं जान सकता हूँ? बोला वो भी तो अच्छा ही होगा सर, कल भी मैंने उसकी स्टडी की थी, उसमें भी यही। आज मिस्टर इलंगो की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। इट्स ओके मिस्टर इलंगो, और किसी दिन मिलते हैं। सॉरी सर। इसके बाद कभी झूठ बोलना तो अपनी औकात के हिसाब से बोलना। तेरी शक्ल देख के समझ में आता है अंदर क्या हुआ होगा, चला के बैठ जा। मैंने पूछताछ की, कोई काम धंधा नहीं है उसका, गांव वालों का कर्जा है, शेयर मार्केट ये वो बोलकर तुम्हें फंसाया है। ले वे, अब तो पता चल गया ना, खुश हो जाओ, चलो चलते हैं। पापा, आप जैसा सोच रहे वो वैसा। वो अच्छा आदमी नहीं है, छोड़ दो उसे प्लीज। पापा मेरी बात तो उसके बारे में अब कोई बात मत करो प्लीज। प्लीज पापा, तुम घर जाओ, तुम्हें कहा घर जाओ। तुझे दिया हुआ टाइम खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। दोबारा परेशान नहीं करोगे, कैसे विश्वास करूं? भाई जो बोलते हैं वो करते हैं। नो 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 नो, मैं कन्हैयालाल से आमने सामने बात करने के बाद ही उसे दूंगा। कब और कहां उससे पूछकर बताओ। सर आप पर भरोसा करके आपकी बात मान रहा हूं। देखिए मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी मिस्टर राजरत्न, बस आपका कोऑपरेशन चाहिए, सिर्फ आपको ही नहीं किसी को भी इससे परेशानी नहीं होगी।
तिलगत सर, मेरी बात ध्यान से सुनो। कन्हैयालाल जिंदा मिले जरूरी नहीं, पर इस बार वो किसी भी हालत में बचकर नहीं जाने पाए। क्या है ये? कुछ नहीं भाई, किसी को नहीं पता है। पुलिस है, पुलिस है, निकल, जल्दी निकल। नीचे रख, चाकू नीचे रख जल्दी। ए, सुना नहीं क्या? गन नीचे रख, चाकू नीचे रख, मुंह मत कर। हिलना मत वहां से, नहीं तो शूट कर दूंगा। तू शूट करेगा, तेरे पूरे खानदान को उड़ा दूंगा मैं। गन नीचे रख, गोली मार दूंगा। सर, कन्हैया मारा गया सर। कोई काम पूरा नहीं किया। सही बोला, लेकिन मेरी माँ भी कभी नहीं रोई यार। इतना ही नहीं, जिन जिन लोगों ने मुझे कर्जा दिया था उनकी आंखों में एक आंसू नहीं दिखा। तूने नहीं देखा ये बोल। लेकिन आज तो मेरी वजह से मेरी अनु बहुत रोई, उसी का मुझे दुख हो रहा है यार। सिर्फ लड़की के रोने पे तुम्हें दुख होता है ना? तेरी वजह से आज तक मैं कितनी बार रो चुका हूँ, कभी आंसू पोछे हैं मेरे? तुझे बुलाकर इतने लोगों के सामने शर्मिंदा किया उसने, वो तुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और वो रोई तो तुझे दुख हो रहा है। करेक्ट। अरे एक बात तो है, मुझे ले जाकर उसने शर्मिंदा किया, लेकिन अब तक उसने मुझे फोन करके सॉरी नहीं बोला। फोन तो ऑन कर ले, मुझे करेगी क्या? चलो चलो चलो। इसके बाद मैं कुछ भी करूँ उसका बाप सुनने वाला नहीं है। चलो चलो, कुछ नहीं सुनने वाला है। चलिए बार बंद हो गया भाई, जाते हैं। मैं जाते हैं, कल लवर्स डे है, अकेले ही मनाना पड़ेगा। कहाँ चला जाए? कहीं भी चल यार, बस चल। अल्फा रिपोर्टिंग, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम ऑन कर रहा हूँ। आई होप कि इस अटेम्प्ट में सब ठीक ठाक होगा। इंजन स्टार्ट। स्पीड 20 किलोमीटर, स्पीड
40 किलोमीटर्स। Alpha reporting, voice command is working normally. Location east 30 degrees. Up the perfect response. मैंने फैसला कर लिया। क्या कर लिया? मेरे एम्स को थोड़ा लूज करने के लिए। वो क्यों लूंगी है क्या? किसे लूज कर लोगे? बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है। ठीक है, क्या करेगा फिर? मैं काम पे जाने वाला हूँ। ए, नशे में तो कुछ भी बोल सकते हो, सुबह होश में यही बात बोलते दिखाना। अरे सच बोल रहा हूँ, काम पे जाने का फैसला कर लिया है। तो एक काम कर, अभी के अभी अनु को फोन कर और यही बात उसे अभी बोल दे, क्योंकि कल सुबह तू बोलेगा मैंने ये बात कब कही थी। मुझे एविडेंस चाहिए। ओ, मेरे पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी अनु को फोन करके बोलता हूँ। अल्फा रिपोर्टिंग, इस टर्न में व्हीकल ने कमांड क्यों नहीं सुना मुझे नहीं पता। मुझे वॉइस चिप में प्रॉब्लम लग रही है। इमरजेंसी कंट्रोल अपने पास रखने के लिए व्हीकल को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। टेस्ट ड्राइव कंप्लीट बट फेलियर। अरे बाप रे, अरे जा रही है देख। गाड़ी ढकेलना रे। सॉरी फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसकी वजह से ये सब हुआ। Really sorry about this. क्यों बॉस, चोट ज्यादा लगी क्या? It's okay. First try में success नहीं मिलती। Failure is the road to success. ऐसा आइंस्टाइन ने कहा है। हे, तूने मेरी चप्पल देखी क्या? मेरा नाम है मंगल परशुराम गिरधर पार्थसारथी। प्यार से मुझे बॉस कहते हैं। ओके बॉस, आपके कान से खून निकल रहा है, पूछ लो। ये कोई खास बात नहीं है। By the way, आपने नाम नहीं बताया। By the way, मैं पुनीत के रघुनंदन हूँ। ये मेरा दोस्त तिलंगा। Basically, I'm an electronics instrumentation engineer. Future के voice recognition vehicle पे research कर रहा हूँ। और इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं, voice recognition system से चलने वाली एक vehicle है। अच्छा, यही वाली है? सही है। जबरदस्त बॉस, आप इस शहर के सबसे बड़े मैकेनिक हैं। मैकेनिक? You know? लास्ट मंथ मुझे इसरो से मिस कॉल आया। इसरो से मिस कॉल? बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पूछोगे नहीं कि क्यों? वो साहब क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? गुड, नॉलेजेबल पीपल हमेशा शांत रहते हैं। कौन? ये? बट समटाइम्स बेवकूफ भी शांत रहने की कोशिश करते रहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग फोन करेंगे तो शायद कोई पिकअप के लिए आ जाए। चुपचाप सो जाओ बॉस, सुबह होते ही हम खुद तुम्हें पिकअप ड्रॉप कर देंगे। अभी डिस्टर्ब मत करो। ओके। अनु, सो जाओ। अनु, 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 अनु। कौन है ये? लाइट ऑफ करो। हे, पुलिस आ रही है इधर। पुलिस आ रही है। हे, हे, उधर सामने देख। सोने दे यार, सुबह काम पे जा। अरे देख ना, वो बॉस। बॉस, बॉस वो देखो क्या है? देखो ना बॉस। Silicon wafer glass. Oh,
भाई उठना। अरे सोने दे रहे। हेलो स्वीटी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्यूट। ए बिल्ली है, ठीक से देख, कुत्ता है। अनबिलीवेबल, ये क्या है पता है? इट्स अ केमिकल बॉम्ब। ये बम है, संभाल कर फट जाएगा। ये बम है, कितनी फिल्मों में हमने देखा है बम। 50 रुपए के अलार्म क्लॉक में तार घुमा के बनाया जाता है। मुझे सिखा। उसने तुझे बोला था ना, तो काई को तुम बड़े साहब की तरफ फेंक रहा है। क्या हो रहा है? अरे बॉस, मार दिखना, ये फटने वाला है। अरे मार दिखना बॉस। ए, कहाँ गया? अभी तो यही था, अचानक कहाँ गायब हो गया वैज्ञानिक पासार्थी? ए, मत अल्फा अल्फा, तुम्हारा ओनर कहाँ है? जल्दी बताओ कहाँ है। अरे आखिर में वो अपने साथ था, ये कोई नहीं जाता है। चल भागते हैं यहाँ से। अरे चल चलना यार। जितनी पी थी सब उतर गए। ए, वो आ गया, वो तो वापस आ गया। कैसे आ गया? फ्रेंड्स इधर आओ। क्या चल रहा है यहाँ पे? आ जाओ आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, ये टाइम ट्रेवल डिवाइस है। वो क्या है? इस मशीन को यूज करके हम लोग भूतकाल में जा सकते हैं। क्या बोल रहे हो, इंग्लिश पिक्चर की तरह लग रहा है। ये यहाँ कैसे आ गया? डिवाइस के टाइम के हिसाब से ये 2065 से आई हुई लग रही है, पर ये यहाँ क्यों आई ये नहीं पता। 2065? कुछ ऐसा बोलो कि समझ में आए बॉस। ऐसे बताऊंगा तो नहीं समझोगे, मेरे पास आकर बैठो। अरे घबरा क्यों रहे हो, आ जाओ, कम ऑन। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आ जाओ बैठो। कहाँ गए? हे, अपनी गाड़ी कहाँ गई? हाँ यार, गाड़ी यहीं पर है। यहाँ कहाँ है? पर इस वक्त नहीं है, 2015 में है। अभी हम सब 2010 में है। किसी के पास कॉइन्स है? भाड़ा मांग रहा है क्या? ये मुझे नहीं चाहिए, वहाँ झाड़ी के पीछे छिपा कराओ। वहाँ पर? हाँ वहीं पर। ठीक है आ जा। निशानी के लिए उसके ऊपर पत्थर रख दो। हो गया, वापस आ जाओ। देख अपनी गाड़ी। हाँ यार, अब वो कॉइन वहां से निकालो। ए, ये तो वही कॉइन है। हाँ वही कॉइन, 5 सालों से मिट्टी में दबा हुआ था। इस डिवाइस को यहां ज्यादा देर नहीं रख सकते, इसे यहां से ले जाना होगा। टाइम ट्रेवल के बारे में बोल बोल कर समझाने से अच्छा है कि ये किताबें पढ़ लो। ये सब तो अपने को जमने वाला नहीं है बॉस, इसमें लिखा क्या है ये तो आप ही हमको बता दो। ओके Now, हम लोग अभी 2015 में, राइट? हम लोग यहाँ से भूतकाल में ट्रेवल कर सकते हैं और भविष्यकाल में भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसे कहते हैं टाइम ट्रेवल। समय में यात्रा करना ही टाइम मशीन का काम है। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने कॉइन दफन किया था वो भी वैसा ही है ना? करेक्ट। हाँ, तो फिर ये मशीन रख कर हम लोग लाइफ में वही भूतकाल में जा सकते हैं ना? सिर्फ जा नहीं सकते, उसे बदल भी सकते। जबरदस्त बॉस। पर जैसा सोच रहे हो वैसा आसान नहीं है। अपनी आज की जिंदगी को हम एक नया रूप दे सकते हैं, और ये नया रूप अच्छा भी हो सकता है और हमारी कल्पना के विपरीत बहुत बुरा भी हो सकता है। मैं समझा नहीं बॉस, अपनी लाइफ अपने को ही पता नहीं रहेगी क्या?
आओ बैठो। बैठ। कभी किसी से प्यार किया है? हाँ बॉस, करता हूँ, वन साइडेड। मैंने इनसे पूछा। हाँ। पहली बार उनसे कहाँ पे मिले? पार्क में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, फर्स्ट टाइम आप अपनी लवर से मिलने के लिए पार्क में जाते हैं, लेकिन हम आपको मिलने का मौका ही नहीं देते। जब आप वर्तमान में लौटकर देखते हैं तो आपकी लवर आपको पहचान ही नहीं पाती। हाय अनु। हो सकता है कि उसकी किसी से शादी हो चुकी हो और उसके बच्चे भी हो। अभी एग्जांपल दोगे ना तो अपनी लवर पे देना। सॉरी, बस समझाने के लिए बोला। एक खास बात और है, जब हम फ्यूचर या पास्ट में ट्रेवल करते हैं तो उस वक्त हम भी वहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ से जाने वाले लोग वहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी भी वजह से डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर है। अगर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया तो जो पुरानी सोच उस वक्त हमारे दिमाग में होगी वही सोच रह जाएगी, बाकी सब सोच खत्म हो जाएगी। आप जैसे बोल रहे हो ये मशीन हम यूज ही नहीं कर सकते हैं क्या? बिना वजह यूज नहीं कर सकते। बॉस, ये क्या? पीछा तो हाथ में आ गया। कहाँ से निकाला इसे? यहाँ से। लाओ जरा इसे मुझे दो। अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच पुनीत। ओके, इस पर मुझे कुछ रिसर्च करनी है तो तुम लोग जाओ। और हाँ, इस डिवाइस के बारे में किसी से कुछ मत कहना वरना सब लोग तुम्हें पागल समझने लगेंगे। हम दिखने में पागल लगते हैं क्या? हाँ, हम तीनों ने ही तो इसे देखा है। अभी रिसर्च बीसर्च बोल के हमें यहाँ से भगा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक साइंटिफिक डिवाइस है, तुम्हारे किसी काम की नहीं है। हमें पता है कि ये क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि रिसर्च मत कर, लेकिन हमें क्या फायदा होगा? हाँ। फायदा? ये पैसे कमाने की चीज नहीं है। या आप कैसे बोल सकते हो? पहले इसे एक हफ्ता रखकर क्या कर सकते हैं देखते हैं, उसके बाद आप इसका रिसर्च भी सर्च कर लेना। सही बोल रहा है। हाँ। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम आसानी से इससे पैसे कमा लोगे? बहुत रिस्की है ये। मैं एक प्लान सोच कर बताता हूँ, तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, वेट करते हैं। अभी नहीं तो कभी। कल सुबह। लेकिन पैसा मिलते ही डिवाइस मुझे दे देना। ओके ओके। बॉस, सुबह सुबह आ जाएंगे हम। चलते हैं। बाय, सी यू। ए, अनु है यार। बोलो अनु। सॉरी यार। किस लिए? कन्हैया लाल का एनकाउंटर। अरे वो सब कुछ नहीं है, वो तो मैं कब का भूल गया। मैं जो बता रही हूँ तुम सिर्फ वही जॉब ज्वाइन करो, ओके? पापा को मैं समझा दूंगी। उन सब की जरूरत नहीं है, एक नंबर प्रोजेक्ट आया है मेरे पास, कल से अपना रेंज ही अलग हो जाएगा। पिए हुए हो? स्मेल आ रही है क्या? मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम वहाँ नशे में बेमतलब की बकवास किए जा रहे हो। फोन रखो। हेलो अनु, अनु। चला। आराम से अंदर ही होगा, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? पार्थ सारथी। बॉस, आप नहीं खुलते हैं क्या? धक्का दे, खुल जाएगा। पार्थ सारथी, किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ पर परशुराम गिरधर, पार्थ सारथी। हाँ। क्या नाम बोला? यहाँ पर एक मैकेनिक, पतला सा, लंबा सा, वो पार्थ सारथी। ओ, जूस वाला। हाँ, कल रात को उसको बिजली का झटका लगा और उसको एम्बुलेंस में लेकर गए यहाँ से। झटका लगा?
उसे कुछ बनाने के लिए दिया था क्या? मैंने उसे मिक्सी बनाने को दिया था, अब पता नहीं कब आकर बना कर देगा। लेकिन ये हुआ कैसे? कॉइल खराब हो गया था उसका। वो नहीं, उसे शॉक कैसे लगा? वो तो मुझे पता नहीं। अरे यार, अब क्या करें? ए, कितनी बार बोला पीना बंद कर दे, अब पिया ना तो तुझे जान से ही मार डालूंगा। सब मेरे ही पास चले आते हैं रास्कल। डॉक्टर, जूस वाला वहाँ टेबल पर रख दो। डॉक्टर, वो पार्थ सारथी। पार्थ सारथी? वही जो शॉक लगने की वजह से अच्छा, आया वो आदमी। उस आदमी को हाई वोल्टेज शॉक लगा है भाई, इसलिए कोमा में चला गया है। ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, अभी कुछ बोल नहीं सकते, वेट करना पड़ेगा। उसकी याददाश्त कभी भी लौट सकती है, नहीं भी लौट सकती है। मशीन कहाँ रखी है? ए, यहाँ पर है। कर कराशी वालों को करंट से खतरा होता है, ये बात सही निकली। विधि को कौन बदल सकता है? ए, हम विधि को बदल सकते हैं। वो कैसे? इस मशीन के सहारे जिस टाइम शॉक लगा था उससे भी पहले जाकर हम उसे बचा सकते हैं। तू तो ऐसे बोल रहा जैसे तू इसे चलाना जानता है। ए, इसे चलाना नहीं कहते हैं, ऑपरेटिंग कहते हैं। वो हाँ, तुझे पता है क्या? ए, तू खेल मत, कहीं उसे बचाने के चक्कर में हम फंस गए तो। ए, उन्होंने बोला था कि वो हमें हेल्प करेंगे। मैं जा रहा हूँ, तू चल रहा है क्या? चलना ही पड़ेगा, उसके लिए नहीं तेरे लिए। तूने इसे बाहर लाकर क्यों रखा है? ए, कल के टाइम पे जाएंगे तो पार्थ सारथी अंदर ही रहेगा। अरे हाँ यार, उसने कैसे ऑपरेट किया था इसे? अच्छा, हम कल कौन से टाइम पे निकले थे? 3 बजे होंगे। हाँ। संभल के। चल बॉस, कल सुबह सुबह आ जाएंगे हम। अरे हम हैं। क्या बात है। सी यू। करने आए थे, लगता है हम ही फंस गए। अरे चुप कर। देखना उसे क्या क्या सोच रहा है अपने लिए। वो इसे आ रहा है जा रहा है बोलना अच्छा नहीं लगता, अपने से उम्र में बड़ा है यार। अल्फा रिपोर्टिंग। आवारा गर्दी करने वालों को टाइम मशीन चाहिए। फिल्टर्ड इडियट्स। मीटिंग मशीन। इस एक्सीडेंट को होने से रोका जाए और इस मीटिंग को अवॉइड किया जाए तो फिर ये मशीन मेरी हो जाएगी। यस, ओवर। हे, ये हमें बिना बताए कि हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ए, रुक यार, विधि को ऐसे बदल मत, सिर्फ देखते चल क्या हो रहा है। अरे कौन? अरे क्या हो गया? कुछ ला रहा है। चल 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 चल, रुक यार। ए, कुछ सोच ना। अच्छा, सोचता हूँ। ए, वहाँ अंदर बैठ के क्या कर रहे हो तुम दोनों? वहाँ बकवास करने से अच्छा यहाँ आके प्याज छीलो। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। ₹2000 से बढ़ गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सर्विस टैक्स बढ़ाने के कारण सभी ज्वेलर्स काफी नाराज हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन ने धमकी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो हड़ताल पर जाएंगे। इसका काफी गहरा असर भारतीय अर्थव्यवस्था। ये भाव पता नहीं कब तक बढ़ता रहेगा। मेरी शादी के समय तो 1000 का तोला था,
ये पहली बार नहीं है कि सरकार की तरफ से सोने पर सर्विस। अच्छा मम्मी, तुम्हारी शादी के टाइम एक तोला 1000 रुपया था ना? आइए जानते हैं। तो दादी के टाइम एक तोला कितने का रहा होगा? तब 50-60 रुपए का रहा होगा, लेकिन तब पैसा भी बड़ा था ना। वो तो तभी महंगा था ना। तो तबेले में घर था तेरा? वैसे काफी खुशबूदार जगह है। ये देख अंग्रेजों की गाड़ी। चला जा। ये देख एक और वैसी गाड़ी, चामुंडा देवी ज्वेलर्स। यही चल चल के देखते हैं अंदर। अच्छा आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। आप दोनों कहाँ से आए हैं? चेन्नई। चेन्नई से? मद्रास। ओ मद्रास, कहने किसके लिए? आपके लिए या घरवाली के लिए? घरवाली के लिए। घरवाली के लिए नथनी, हार, कान का कुंडल, हसुली, ऐसे बहुत से गहने हैं। ए बनवारी, ला के दिखा सब इनको। ए, ये गहने पहचानता है, एक्सपर्ट है उसका। अरे साहब, गहने प्योर गोल्ड के बने हुए हैं, आराम से देख लीजिए, फिर जो चाहिए ले लीजिए। देखिए, हम ये सब ले लेते हैं। ये सब ले लेंगे? हाँ। ये पूरे 50 तोले होंगे? इसके पास 100 तोले के लिए पैसे हैं। हाँ? तब तो आप बहुत बड़े आदमी हैं। कुछ गलत बोला हो तो माफ कीजिएगा। ए बनवारी, इधर आ, इन दोनों के लिए शरबत लेके आ, जल्दी कर जल्दी। आज तो अपने भाग्य खुल गए प्रभु। एक बात बताइए, आपको दिलीप कुमार पसंद है या भरत भूषण? हमें तो रजनीकांत पसंद है। रजनीकांत कौन है ये? सुपरस्टार। ए, कौन सी फिल्म में काम किया इन्होंने? अंग्रेजी फिल्म में किया होगा। क्यों सेठ जी, कौन है ये? नए दिख रहे हैं। बड़े आदमी हैं, बड़ी जगह से आए हैं। अच्छा है। 2500 रुपए हो गए साहब जी। ए, देना। हम यहाँ पे विदेशी रुपए नहीं लेते हैं। ये अपने ही तो देश के हैं, 500 रुपए। अपने देश का 100 रुपया ये रहा। ओ, तो जाली नोट चलाते हैं। ये 50 तोला पूछा तभी मुझे डाउट हुआ था। पकड़िए साहब इन्हें। ए पहलवान सुन, पकड़ इन लोगों को, पकड़ इन्हें। इस पेटी में क्या है रे? अरे साहब, ये लोग भाग रहे हैं। अरे बच गए। बाप रे, बच गए। तू कभी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? जाके देख तेरी उम्र के लड़के क्या क्या करते हैं। इतनी देर पहले बोला था तुझे सामान लाने के लिए, लेकिन क्या हुआ? नहीं लाया। बस दिन भर आवारा गर्दी करता रहेगा, कोई काम बोलो तो ये भूल जाता है। तेरे पापा हम एक महीना पीछे चल रहे हैं, तूने पहले क्यों नहीं देखा? आखिरी दम तक चल निकलते यहाँ से। चल चला जा। वो तेरा दोस्त ज्योतिषी बनके गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। रुक रुक रुक, क्या हुआ? मैं उसे लेकर थोड़े ही घूमता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे आ जाता है। तेरे काम पे जाने की रुकावट वही है। ये लो आ गया। जैसे ही पनीर मसाला बनाती हूँ पता नहीं कैसे आ जाता। अरे सॉरी यार, एक्चुअली हम लोग गलत टाइम पर आ गए। है कि कुआं? देख लेना, एक दिन उसके खाने में जहर ही मिला दूंगी। तुझे झूठ लगता है ना, मैं करके दिखाऊंगी उसको ना। एक दिन मैं सच में जहर खिला के ही मानूंगी। यार खा के चले क्या? ए पुनीत, आ जा, पनीर मसाला बनाया है, खा ले। सब नहीं चाहिए, हम लोगों को काम है, चल रहे चलते हैं हम लोग। अरे खाना खाने में कितना समय लगता है, आगे जा। बोली, अरे वो माँ तो ऐसे ही मजाक में कह रही थी। खाने में जहर मिलाना तुम्हारे लिए मजाक है? लेट होगा तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारे लिए खाना रखूंगी, आना। अरे दौड़ो मत, संभल कर। अरे सामान उमान मत तोड़ देना, आराम से करो। मामा आप भी लुका छिपी खेल रहे हैं? हाँ वही खेल रहे हैं। तू जा 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 ना। ए बाहरा। अरे चश्मा कहाँ ले जा, रुक दे, चल जा जा।
चल। अभी करेक्ट टाइम पे आ गए। तू ही दरवाजा खोल। खोलता हूँ। अब से होशियार रहेंगे अपन। ए पुनीत, पनीर मसाला बना रही हूँ, खा के ही जाना। हाँ दीजिए माँ जी, मुझे अभी ऊपर नहीं जाना है। सोच रही थी कैसे जान गया। मम्मी इसके पेट में अल्सर है इसलिए ऐसा बोल रहा है। हे, ये क्या है? दे तो, मेरा ही चश्मा है, ये कहाँ से मिला तुझे? ये वहाँ अंदर था। लो, एक महीने से पूरा घर छान डाला, मुझे नहीं मिला, तुझे कैसे मिल गया? अरे वो पुनीता चार जी का कमाल है। हाँ। बहुत कठिन गणित का इस्तेमाल किया है। ए, तू तो गणित में हमेशा फेल होता था, तू कहाँ से गणित लगाने लगा? अरे माता जी, ज्योतिष के गणित में तो पास हो गया हूँ ना। ये ज्योतिष का गणित मुझे मत सिखा, ये सारी फालतू गिरी छोड़ के ना किसी अच्छे काम में लग जाओ। दोनों कल से हम एक नया बिजनेस चालू कर रहे हैं। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? चेन्नई में पहली बार अपने खोए हुए सामान का पता लगवाइए। कब और कहां खोया ये जानिए। मिनटों में अपना खोया सामान पाइए। विशेष विज्ञान ज्योतिषी और सिद्धि प्राप्त पुनीता आचार्य जी के द्वारा। लेडी ओके 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 रेडी ओके चलो। हाय व्यूअर्स, आज सुबह सुबह यहाँ शहर में एक बहुत ही जबरदस्त पोस्टर हमें देखने को मिला। सारे ज्योतिषी बस इतना ही कहते हैं कि ऐसा होने वाला है या फिर वैसा होने वाला है, लेकिन पब्लिक में पोस्टर कोई नहीं लगाता। इन्हें देखकर लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम इन्हीं पर आधारित है। जी एक कस्टमर आ रहा है। जी आइए मैडम, आइए। तो फिर आपका चैन नेल्सन मानिकन रोड पर कहीं गुम हो गया है, ठीक है ना? ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। कंफर्म कर रहा था बच्ची, जरा प्रतीक्षा कीजिए। ढूंढ कर लाने का वादा कीजिए तो मैं कितना भी वेट कर सकती हूँ। ये क्या कर रहा है? ए, वो एक नंबर की फ्रॉड है। दिखाने वाली हूँ। अब मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ जहाँ वो ज्योतिषी रहते हैं। उनसे मैं कहूँगी कि मेरी ये चेन गुम गई है। उसके बाद वो क्या करते हैं वो होगा क्लाइमैक्स। चेन आपकी चेन का पता चल गया है? कहाँ है वो स्वामी जी? आपके हैंडबैग के फ्रंट पॉकेट में। इन्हें कैसे पता चला? डियर प्रियम टीवी के लिए पुनीताचार्य जी की पहली खोज पूरी हुई। इस साइंटिस्ट ज्योतिषी पुनीताचार्य जी की सच्चाई जानने के लिए आई हुई लड़की का चैन खो जाना दरअसल एक बहुत बड़ा झूठ है। साहब के बिल से भी चीजें ढूंढ निकालने वाले इस ज्योतिषी के लिए बगल के बैग से चीजें ढूंढ निकालना इतना मुश्किल नहीं है। ये एक लड़की के लिए मजाक हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए जिनकी खास चीजें वाकई में खो गई है एक मजाक नहीं है। उन्हीं खोई हुई चीजों को ढूंढ निकालने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, आपकी सेवा में उपस्थित पुनीताचार्य। अमेजिंग, हम कुछ और सोच कर आए थे लेकिन यहाँ कुछ और हो गया। हमें विश्वास हो गया है कि इनके पास जरूर कोई शक्ति है, और वो शक्ति इनके इस लाल पत्री में है। ये साधारण पत्री नहीं है, पुनीताचार्य जी के हाथ से लिखी हुई एक बहुत खास यंत्र है। ये जगह कहाँ पर है भाई?
अरे रो मत बहन, आगे पूछो, तुम्हारी मार्कशीट कब और कहाँ खोई? मारा क्यों तूने? वो मेरा गणित का टीचर है। गुरुजी, मेरा बच्चा खो गया गुरुजी। आप जाइए सेंट टेरेसा आश्रम में। अपनी मर्जी से जीना ही मेरा एक मंत्र है। सर, अगर आप हमारे बैंक में अकाउंट खोलेंगे ना तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। खोल देता मगर मुझे तुम्हारी ये शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, सॉरी। ज्योति जी, हाँ आइया, आप आइए, चुप रहिए आप लोग, चुप रहिए। तुमने अपने पापा को सरप्राइज होते हुए देखा? चलो कल देख लेना। क्या समझे? अब से शेयर मार्केट में मुझे बताए बिना एक भी पॉइंट यहाँ हुआ नहीं होगा। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो सर, प्लीज, गुड इवनिंग जेंटलमैन। उस दिन आपके किए हुए सवालों का मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाया था, इसके लिए सॉरी। मेरी शेयर एनालिसिस मेथड कोई गेस करने वाली मेथड नहीं है, वो एक फॉर्मूला है, फुल एंड फुल मैथमेटिक्स, और उसके पॉइंट से कोई बच नहीं सकता। एंड अब मैं उसे पूरी तरह पढ़ चुका हूँ। दिसंबर महीने में सभी बड़े और नामी कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनकी पीक वैल्यू मैं अभी आपको बताता हूँ। नो, देखो बेटा, इसे कोई नहीं बता सकता है। 16 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। आप क्यों ऐसा अज्यूम कर रहे हैं? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, डिराइव कर रहा हूँ। ओके, यकीन नहीं हो तो एक काम करते हैं। सर, शेयर मार्केट क्लोज होने में और कितना टाइम बचा है? 7 मिनट भी नहीं बचे हैं। ओके, आज क्लोजिंग टाइम में टॉप कंपनीज की शेयर वैल्यूज पॉइंट टू पॉइंट में अभी आपको बता सकता हूँ। व्हाट? इसका तो चांस ही नहीं है। उसे आप अगले 7 मिनट्स में देख लेंगे।
बात कहूँ, इलंगो के पास इतना टैलेंट है कि उसे मेरा दामाद नहीं, मुझे उसका ससुर होने का गर्व है। भाई पुनीत, तुम अपनी पत्री देखकर इनकी शादी के लिए एक अच्छा सा दिन निकाल दो। अंकल, दिन तो सभी अच्छे होते हैं, मंडप उपलब्ध हो तो शादी आज ही करा दीजिए। खुश हो ना? तुम्हें कोई शक्ति जरूर मिली है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। बताना तो है, पास आओ ना। हाँ? ए, कीजिए। मैंने अब तक तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया है और अब भी कुछ नहीं छिपाऊंगा। बताऊंगा, आने वाले फ्राइडे को बताऊंगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्या है आने वाले फ्राइडे को, अभी बताओ ना। अप्रैल 18 तुम्हारा बर्थडे। बर्थडे गिफ्ट है। अनु, वो गिफ्ट है और वो तुम किसी और को नहीं दे सकती। ए, ये राज सिर्फ हम ही जानते हैं, उसे बताना जरूरी है क्या? हाँ। लड़की को बताओ चाहे फेसबुक पे अपडेट करो, दोनों एक ही बात है, समझे? छोड़ना, मैं देख लूंगा। संभल के बेटा, खोई हुई चीजों को ढूंढ कर निकालने वाले ज्योतिषी पुनीताचार्य यही रहते हैं। वो लोग तो कब के घर चले गए, आप सुबह आइएगा। वो चले गए? हाँ गए, अब आप भी जाइए, जरा संभल के जाइएगा। अरे इन्हें दिखता नहीं है यार, और बुजुर्ग है। अंकल आप रुकिए। ये उन दिनों की बात है जब मैं बर्मा में था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ से मुझे मेडल मिला था। मेरी इच्छा थी कि मरते दम तक वो मेरे साथ रहे, इसीलिए उसे अपनी शर्ट में ही रखता था। उसे जान से ज्यादा चाहता था उसे। बेटा तुम कैसे भी ढूंढ कर ला दो। ठीक है अंकल, वो कहाँ और कब खोया था बताएंगे? ये 2 महीने पहले की बात है। उस समय रात के 8 बजे थे करीब। नहाने से पहले मैंने मेडल अपनी शर्ट से निकाल कर वहाँ टेबल पर रख दिया था। उसके बाद वो कहाँ गया पता नहीं। ये ले चलते अपने साथ। पहले देखते ना कैसे खोता है, फिर चलेंगे। संभल के, संभल के, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। अरे, हे, क्या कर दिया तूने? चल बात मत कर, चल। अरे अंधा है क्या? देख के नहीं चल सकता? ए, अपनी तरह सबको बेकार समझता है क्या? आधा कहाँ से चले आते हैं? निकम्मे कहीं के? अच्छा यहाँ पे है। मिल गया, मिल गया। सुपर यार, चल चल, बूढ़े से पैसे नहीं लेंगे। सर, चाकू नीचे रख, मैं कह रहा हूँ चाकू नीचे रख। कन्हैया यहाँ पर है सर, नीचे रख। क्या पता क्या होगा? Lights. Oh my God, is that me? Yes, sweet memories. So pretty. ये है अनु के बचपन के फोटोग्राफ्स। God, मैंने ये फोटोज कभी नहीं देखी। यकीन नहीं हो रहा है अनु है। मम्मी, वो देखो ना। अपनी बेटी अनु के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का ये मेरा आखिरी मौका है। ये भी अनु है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये तुम्हारी वाइफ होगी। थैंक यू पापा। मेरा स्वीट बच्चा। इसमें से बहुत से फोटो इसने खुद नहीं देखे हैं। अगर बचपन में इसे देखा होता तो इन फोटोग्राफ से बहुत ज्यादा अच्छी दिखती थी, है ना?
क्या रोमांस करना है? सब बाहर ही खड़े हैं। वो सब नहीं करूंगा, रुक जाओ। तुमने पूछा था ना कि मुझे क्या शक्ति मिली है, ये है वो। ये क्या है, इसके अंदर क्या है? दिखाता हूँ। टाइम मशीन है। टाइम मशीन? ये तुम्हारे हाथ कैसे लगी? वो सचमुच मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें जो शक्ति मिली वो यही है? हाँ अनु, इसी से हम खोई हुई चीजें ढूंढ कर देते हैं। तो वो शेयर मार्केट एनालाइजिंग? वो भी इसी से ही, फ्यूचर में जाकर सारे शेयर्स देख कर आया। सिंपल। तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा ना? आओ। अनु कहाँ चली गई? अनु, अनु। यहाँ के सारे फोटोज कहाँ चले गए? चलो उतरो। अरे उतरो। चलो पूछो। कहाँ ले जा रहे हो? रेडी? अब जरा इस तरफ। गुड, लवली। ओह माय गॉड, ये स्माइल। गुड, वेरी गुड। I can't believe it. इसका मतलब हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं? बिल्कुल। Yes. बताओ कहाँ जाना चाहोगे? मम्मी के साथ ऐसे। Oh my God. Thank you.
होने का सही वक्त बताओ। सुबह के 10:30 बजे। अच्छा, तुम्हारी माँ तो ऐसे बैठी है जैसे उसे कोई टेंशन ही नहीं हो। तुम घर में ही पैदा हो गई थी क्या? अरे नहीं, हॉस्पिटल में हुई थी। तब तो तुम्हें पैदा होने में रात के 10:30 बज जाएंगे। सुबह के 10:30 बजे क्या हो गया? ओह नो, चलो। साड़ी पसंद आई क्या? हमारे यहाँ जितनी भी साड़ियाँ थी मैंने आपको दिखा दी, अब और नहीं है सर। लेडीज को टॉर्चर करते तो बहुत देखा है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आपकी तरह कोई जेंट्स भी टॉर्चर कर सकता है। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। पसंद है? तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ओके, पैक कर दीजिए। मैडम आप कहें तो साड़ी में आप दोनों का नाम लिखवा देता हूँ। साड़ी में उनका नाम लिखवा दीजिए और जैकेट पे इसका नाम लिखवा दीजिए, साथ में बस नंबर भी। आप भी ना भैया, ठीक है आप लिखवा दीजिए। ठीक है, अच्छा। अब मम्मी और आंटी के लिए भी देख लेते हैं। ले जाओ भाई इसे, लिखवा कर लिया। इधर आ, एक हफ्ता हो गया है और तू अभी मम्मी और आंटी में फंसा है। अगले हफ्ते शादी है तेरी, देख ले। मैं सुसु हो गया। हाँ ठीक है, जा। पानी आ रहा है ना? पानी की बड़ी टेंशन है यार। कौन है अंदर? मैं बैठा हूँ यार। सुनाई नहीं देता? तुम लोग सोचते हो कि मुझे मार डालोगे? मरोगे तुम लोग। अनु तुम देखो, मैं आता हूँ। दिखाइए भाई साहब। तू आया, तूने किया, अब चुपचाप चला जाएगा। पुनीत,
आज सुबह एक बहुत बड़े कपड़े की दुकान में पुलिस ऑफिसर तिलेगर एक कुख्यात गुंडे कन्हैया लाल के हाथों मारे गए। कन्हैया लाल को पकड़ने के लिए 2 महीने पहले ही उन्हें नियुक्त किया गया था। विभाग में वो काफी ईमानदार पुलिस ऑफिसर माने जाते थे। दिन दहाड़े पब्लिक के सामने ही उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना से शहर में दहशत फैली हुई है। उस एनकाउंटर में जो भी ऑफिसर थे, सारा शहर बदला लेने के लिए उन सबको मारा जा रहा है। और इस हत्या ने पुलिस कन्हैया लाल को हम जल्द पकड़ लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आइए सुनते हैं। आपके घर, ऑफिस, सभी जगहों पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। 24 आवर्स एक पुलिस ऑफिसर आपके साथ रहेगा। बेटी की शादी मैंने 1 हफ्ते बाद रखी है, सोच रहा हूँ उसमें कोई अड़चन तो नहीं आएगी ना। मैं आपसे जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे गलत मत समझिए। फिलहाल बेटी की शादी पोस्टपोन कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, यही सही होगा। तो हमने उस दिन जिसे देखा था वो कन्हैया लाल है। इसमें कोई शक हो रहा है तुझे? ए, तुझे याद नहीं है क्या उसके पोस्टर्स लगे हुए थे कि वो मर गया, भूल गया? अरे यार वो किसी और ने लगाया होगा। ए, पोस्टर्स कोई और लगा सकता है, पेपर में न्यूज तो रियल आएगी ना। उस दिन पार्थ सारथी के घर के सामने पड़े न्यूज पेपर में उसका एनकाउंटर हो गया, ऐसी न्यूज थी, मुझे अच्छे से याद है। तुझे पूरा यकीन है? ए लो, इतना ही पेपर है हमारे पास। ये क्या, मुझे लगा तुम खास खबर ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम तो सनी लियोन की फोटो देख रहे हो। मेरे पास तो उसका वीडियो भी है। हेलो, कौन? सर, आपके फ्रेंड जो कोमा में थे वो होश में आ गए। होश में आ गया तो उसे बेहोश करके सुला दो। किसका फोन था? पार्थ सारथी को होश आ गया है, पहले ही हम इतने परेशान हैं। ये देख वही है। चेन्नई में रात के समय शूट आउट, 3 पुलिस वालों को मारकर गुंडा फरार। लोकल पेपर में ही नहीं, नेशनल पेपर में भी कन्हैया के फरार होने की खबर छपी थी। यानी हमने जो देखा था वो झूठ था। उस दिन हमने कन्हैया के मरने का पोस्टर देखा था और पेपर में कन्हैया एनकाउंटर से बच गया है ऐसा छपा था। ये दोनों एक ही दिन हुआ है। तू बोलना क्या चाहता है? उस दिन हुए एनकाउंटर में कन्हैया मर गया था, पर अभी वो जिंदा है। अगर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया तो जो पुरानी सोच उस वक्त हमारे दिमाग में होगी वही सोच रह जाएगी, बाकी सब सोच खत्म हो जाएगी। तो फिर पार्थ सारथी ने जो बोला था वैसा ही कहीं कुछ तो हुआ है। तू कुछ भी बोलता है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कन्हैया मर गया है वो बस हमें ही पता है और किसी को भी नहीं पता। तो इसका क्या मतलब है, हमें कुछ नहीं पता और हमने ही सब कुछ किया है? बहुत बुरे फंसेंगे। कुछ भी हो पर एक बात होता है, हमने इसका 2 महीने तक भरपूर इस्तेमाल किया है, किस किस को याद करें? ए, अच्छे से सोच यार। क्या हुआ बताओगे तो मैं भी कुछ सोच लूंगी। चाय बना के लाऊं? जरा देख इसमें लिखा है कि एनकाउंटर कहाँ हुआ है। कोटीवाकम के पास एक पुरानी फैक्ट्री में। अरे यार उस एरिया का जिक्र मैंने किसी के मुंह से सुना था। मैं कोटीवाकम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता हूँ बेटा। अरे वो मेडल ढूंढने गए थे, उसी अपार्टमेंट के पास ही वो फैक्ट्री है, वहीं पर कुछ गड़बड़ हुई थी। अच्छे से सोच। ए रुक, जल्दी मत कर। मेडल गिरा? हाँ। हम बुड्ढे के घर से नीचे आए, पता चल गया। जब हम मेडल लेने नीचे आए तो एक बाइक वाले ने ठोका था, याद है? सही बोला। अरे तुझे तो उसने गाली भी दी थी। हाँ। चले आते हैं निकम में कहीं के, इधर ही आते हैं। ए, रुक रुक रुक। अरे रुक, ए, क्या हुआ, कहाँ जा रहा? सॉरी सर, गलती हो गई सर। ए, हेलमेट उतार बोला ना। अबे उतारते हैं कि तू है। तेरा और कन्हैया का क्या संबंध है? क्या तेरा और कन्हैया का क्या संबंध है, सच सच बता। बताता हूँ सर। सर ये बात हम लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता, पर आपको कैसे पता चली? सवाल करता है मेरे से। तेरी वजह से कितने लोगों का नुकसान हुआ है पता है तुझे? सॉरी सर, भूल हो गई, माफ कर दीजिए। ठीक है, पर कन्हैया को तूने बचाया क्यों? सर वो तो मेरा फर्ज था सर। देखा, मैंने बोला था ना
अब ये सब कुछ उगलेगा, देख लेना। मैंने उसको बोला तुम आत्महत्या मत करो, अगले हफ्ते मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर बच्चे हमारे हो जाएंगे, ऐसा मैंने उसे बोला सर। और भी बहुत तरीके से बहला फुसला के उसे मनाया हूँ सर, आप समझ गए ना सर। सर आप लोग मरियम के रिलेटिव है ना सर, सर किसी भी तरह से उसे मना लीजिए सर, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ सर। ये देखिए ये मंगलसूत्र है ना, मैंने 950 रुपये उसके लिए खरीदा है, सच बोल रहा हूँ सर, सच बोल रहा हूँ। उससे बात कीजिए ना। चल जा सर। चल जा सर। सर एक बार मरियम से बात कीजिए सर। सॉरी यार। मैंने इसे उस दिन छुड़ाया था। ए, कहीं इसी ने तो नहीं बचाया होगा। चला जा। अरे आना। चल चल चल। ए, ए। शूट कर दूंगा। गन नीचे रख। चाकू नीचे रख। सुना नहीं क्या? गन नीचे रख। देख मैं कह रहा हूँ चाकू नीचे रख। मेरा हाथ काटेंगे क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चल। ये तो अच्छा हुआ कि हड्डी में नहीं लगा, घाव जल्दी भर जाएगा। अनु मेरी हाँ। ड्यूटी का टाइम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। मैडम ये हाथ सुन हो गया है, इसके पहले भी आपने ऑपरेशन किया है ना? आप बिल्कुल मत घबराइए, दर्द महसूस ना हो इसलिए इंजेक्शन दिया है। ठीक है, 2 घंटे बाद सेंसेशन लौट आएगी। अच्छा ऐसा होता है क्या? मेनी मेनी थैंक्स यार। अनु ये बात किसी को पता ना चले, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है तू डर मत, मैं सब संभालूंगी। ठीक है, उन्हें जो कुछ चाहिए दे देना माँ। ठीक है बेटी। सॉरी यार, उस कुत्ते को छुड़ाने की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई। अब तो मुझे बता दो कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं अनु, वो मेरी गलती की वजह से। अनु सुनो तो सही, प्रॉब्लम खत्म होने के बाद सब डिटेल में बताऊंगा। कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो मशीन मिलने के बाद तुम बहुत बदल गए हो। अनु अनु उस कुत्ते को अगर हम वहां से नहीं छुड़ाते तो सब ठीक हो जाता, कन्हैया भी एनकाउंटर में मारा जाता। चल दोबारा वहां चलते हैं। ए, चल। तू कहां आ रहा है भाई, रेस्ट कर, मैं देख लूंगा। क्या हुआ इसे? मशीन को रिपेयर करना होगा, वो बुलेट लगी थी ना, शायद उसी वजह से हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? पार्थ साथी। सॉरी बॉस, आपने पहले ही बताया था, हमने अनसुना कर दिया। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उस कुत्ते को छुड़ाकर, अगर उसे नहीं छुड़ाते तो कन्हैया भी मर जाता और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। वो मशीन ऐसी बंद पड़ी है, आप देख लेंगे तो ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व होते ही आप उस मशीन को रख लेना। हाँ बॉस। लेकिन आप लोग हैं कौन? वाओ, दिस इज अ टाइम ट्रेवल डिवाइस। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से लाइट की स्पीड से अगर हम ट्रेवल करें तो भूतकाल से हम गुजर सकते हैं, ये थ्योरेटिकली प्रूव्ड हो चुका है। लेकिन आपने अपने पास टाइम ट्रेवल की अमेजिंग डिवाइस ही रखी है। दिस इज वंडरफुल मशीन। वाओ फैंटास्टिक।
देखना बोलेगा अभी ये सारी किताबें पढ़ लो। टाइम ट्रेवल के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको ये किताबें पढ़नी होंगी। शॉक लगने के बाद हमें तो भूल गया, पर पुराना अलग हिस्से रिकॉर्ड की तरह बोल रहा है। वैसे ये मशीन मिली किसे? इसके दादाजी को। वाओ, मस्ट बी अ ग्रेट साइंटिस्ट। मैं उनसे मिल सकता हूँ क्या? सॉरी, अब वो जिंदा नहीं है। ओह, सैड। इसीलिए आप मुझे देखने आए हैं क्या? इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड टू हैव अ मशीन लाइक दिस। ये बताओ, गाड़ी में तुम लोग कुछ बातें कर रहे थे, कुत्ते ने गुंडे को बचाया, चैन निकाला बॉस, तो वो कहानी नहीं सच्चाई है। ओके, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ये मशीन मुझे दे दोगे ना? दे देंगे, पर आपसे ये ठीक तो हो जाएगी ना? श्योर, इस डिवाइस के मैकेनिक्स पर रिसर्च करनी है, दैट्स ऑल। ओके, कब तक ठीक होगी? बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सब क्लियर है ना? सुनो, कमिश्नर साहब ये कह रहे थे कन्हैयालाल के अरेस्ट होने तक तुम्हारी शादी को पोस्टपोन कर दिया जाए। हमें ऐसे डर कर रहना चाहिए क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और ना हमें देखकर किसी और को डरना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ना पुनीत? सही बोलेंगे अंकल। तुम्हारे साथ एक टाइगर है, फिर भी तुम डर क्यों रहे हो दामाद जी? WT4 कांस्टेबल बच्चालाल रिप्लाई करो, बच्चालाल रिप्लाई करो। अगर हम लोग बच्चालाल रिप्लाई करो, ठीक है सर? वेट, आइए। चाबी कहाँ है? मेरे पास। ओ, वही रह गई। आप यहीं रुकिए। ओ नो, वहाँ कैसे जाऊँ? कैसे जाऊँ वहाँ? अंकल, आप यहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। चल चल। नंबर स्विच्ड ऑफ है। अंकल, मैरिज पोस्टपोन कर देते हैं। हाँ, अगर डरने से अपना कुछ अच्छा होता है तो डरने में कोई बुराई भी नहीं है। हाँ? आपने बोला तो सही अंकल। तू चाहता तो उसे मार सकता था, पर छोड़ दिया।
तुझे क्या फर्क पड़ता है, मरूंगा तो मैं? उस दिन बाथरूम में था ना, वहीं मार डालता वो, अब तो वो मुझे कहीं भी पहचान लेगा और फिर ना मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकवा देगा। तेरे फोन से कॉल है यार। ए, मेरा फोन तो गुम हो गया। हेलो बॉस, फोन अपने पास ही रखो, मैं बाद में आकर ले लूंगा। कौन? तेरी मौत। तुम लोगों के आखिरी दिन आ गए हैं, अच्छी तरह जी लो। कहां से फोन था? कब्रिस्तान। फोन पे कौन था पता है? कन्हैयालाल। क्या बोल रहा है? और 24 घंटे में वो हमें मार डालेगा ऐसा वो बोल रहा है। अंकल, कमिश्नर साहब से पूछिए वो कहां है, वहीं चलते हैं, सेफ है। पुलिस के ऊपर भरोसा करके अब कोई फायदा नहीं होने वाला है। गलती कर दी मैंने। जैसा मेरे पार्टनर ने कहा था, अगर मैं राउडी के पास चला जाता तो कन्हैयालाल अब तक जिंदा नहीं बचता। ठीक है तो उस राउडी के पास ही चलते हैं अंकल, वो कहां है पूछिए ना उसे। हां हां पूछता। ये देखना फिर से फोन आया। कौन? हेलो डूड्स, द डिवाइस इज रेडी, सक्सेस, कम ऑन जल्दी आ जाओ, यू गोना सी मैजिक। हमें जरूरत नहीं है किसी भी गुंडे से डरने की। मैंने बोला था ना सब ठीक होगा। टाइम देता वो हमें, उसे फोन करके बोल हम उसे 24 मिनट के अंदर उठाएंगे। कर फोन कर। ठीक हो गया ना? ऑन हो रहा है पर। ऑन हो रहा है? ट्रैवल कर सकते हैं ना? हाँ ट्रैवल तुम कर सकते हो। तो फिर क्या है, बैठ जा। एक मिनट। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी डिवाइस है, इसका एक माइन्यूट पार्ट है जो मैं ढूंढ नहीं पाया और इसीलिए ये ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा। बॉस एक बार हम लोग जाकर उस कुत्ते को रोक दे, कोई दिक्कत नहीं। पर उसमें भी प्रॉब्लम है। ए, प्रॉब्लम बोलते हो, क्या प्रॉब्लम है? इस डिवाइस के सेंसर सही ढंग से काम नहीं कर रहे, इसलिए एग्जैक्ट टाइम सेलेक्ट नहीं हो पा रहा और फिलहाल ये हमें रफ टाइम पर ही ले जा सकता है। ए, उस दिन वो जो मुझे बुलेट लगे थे ना, ये वही टाइम बता रहा है। तो फिर और 20 मिनट पहले जाएंगे तो उस कुत्ते को रोक सकते हैं? नो चांस। कुत्ते को नहीं रोकेंगे तो कन्हैया कैसे मर सकता है? एक आइडिया, इस टाइम में अगर वहां जाकर हम ही कन्हैया को मार दे तो? उसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सेट किए हुए टाइम पर आप जा तो सकते हैं पर रिटर्न का जो टाइम आप सेलेक्ट करेंगे उस पर लौट नहीं सकते, मतलब भूतकाल में ही फंस के रहेंगे। समझिए कि आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे अगर थोड़ा टाइम और मिले तो मैं रिसर्च कर लूंगा। तो मशीन रेडी है कहकर क्यों बुलाया हमें? भाई ये काम होने वाला नहीं है, अंकल के बताए राउडी के पास चलते हैं, चल जल्दी नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। वीडियो है? नहीं है। दिखाना वीडियो। क्या है, हिंदी या इंग्लिश? रहमान का म्यूजिक है। और कोई वीडियो है क्या? देख वीडियो वगैरह नहीं है। इधर ला। भाई इस फोटो के बीच में जो मैकेनिक उसे मैं जानता हूँ। हेलो बॉस, मैं बेनीपुर पेठे में हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करूँ क्या? सुनो यहाँ फोन बंद करके रखो। भाई भाई मुझे खोल दो ना भाई, भाई भाई खोल दो ना भाई, भाई। ये क्या चेक करके आया है तू मेरे पास? भाई जब मैंने चेक किया था उस समय ठीक ही था। एक एक को चाट कर देखने का टाइम नहीं है, माल जिसका है उसे यहाँ पर बुला और उसका गला काट डाल। भाई हमें बताया था ये स्मगलिंग करते हैं पर यहाँ तो नमकीन रखी हुई है। ये खाने वाला नमकीन नहीं है। हाँ। नशे वाला नमकीन है, मुंह में डाल लेगा तो 8 घंटे शांत रहेगा। आ जाओ छोटे। नमस्ते भाई। भाई मुझे फोन में बताया था ना यही है वो। जान हो या धंधा हो हर किसी का अपना कर्म होता है, पर अपनों को कोई परेशानी हो तो फिर देखा नहीं जाता। इसी की तरह आया था कन्हैया मेरे पास, जब अकेले धंधा संभालने लगा तो हवा में उड़ने लगा। एक बार प्रॉब्लम हुई तो उसे मार कर भगा दिया और फिर उसके बाद वो यहाँ कभी नहीं आया। पर इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ वो मेरे काम में अड़ंगा डाल रहा है।
पर मेरे चंगुल में फंस नहीं रहा है। अब मैं तुम्हारे मैटर पर आता हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से चलेगा या कन्हैया लाल को खत्म ही कर दूँ? सर, खत्म कर दीजिए उसको। ए, ये प्रॉब्लम निपट जाए तो अच्छा है। ऐसे अलग अलग बात करके धंधा नहीं होता है। ए, चुप कर यार। मशीन रेडी होने तक वो हमें छोड़ देगा तो चलेगा। अब ये मर्डर वर्डर करना अच्छी चीज नहीं है। सर, फिलहाल तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यही अच्छा है। तो फिर वो आपका पीछा करना छोड़ दे तो चलेगा? हाँ सर। हाँ भाई, बोलिए। तू कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई। कन्हैया लाल को फोन दे। अंदर एक मैटर चल रहा है भाई। ए, मुझे उससे जरूरी बात करनी है, बुला उसे। नहीं भाई, आपको तो पता ही है, मैं बुलाऊंगा तो। ए, ज्यादा सोच मत, बुलाओ उसे। ठीक है भाई, आप लाइन में रहिए। तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू कहानी सुना रहा है। भाई, मार्कंडे भाई लाइन में है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तू जिसके पीछे पड़ा है वो बड़ा आदमी है, उसके साथ दो लड़के भी हैं। ये सब मेरे बंदे हैं और ये लोग चाहते हैं कि मामला बातचीत करके खत्म हो जाए। बेकार का लफड़ा मत कर, इसी में तेरी भलाई है। इनसे दूर ही रह, नहीं तो। ए, तेरी इज्जत करता हूँ इसलिए इतनी देर से सुन रहा था, मुझे गुस्सा मत दिला, उन्हें मेरे पास पहुँचा दे, नहीं तो तू गया। बड़ी ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा है। तू अपना बच्चा है इसलिए समझा रहा हूँ कि उड़ना छोड़ दे, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बुड्ढे, पिछली बार का भूल गया क्या? सीने में इतना बड़ा निशान छोड़कर आया हूँ, भूल गया? अब इससे बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। आप लोग निकलिए, कल उसके बारे में पेपर में पढ़ लीजिएगा। इस बीच कोई परेशानी होती है तो फोन कीजिएगा। लीजिए भाई, 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 भाई कॉल देना मुझे। क्या हो गया उसे? फोन किया तो उठा नहीं रहा। जा, देखते हैं। मशीन तैयार तो हो गई होगी। अल्फा रिपोर्टिंग। बहुत बार कोशिश कर ली पर यह डिवाइस नहीं बन रहा। इस कंडीशन में डिवाइस से ट्रेवल करना खुद को परेशानी में डालना है। इसका रिटर्न टाइम अगर सेट हो जाए तो इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फिर डिवाइस अपने पूरे फॉर्म में। क्या है? कौन हो तुम लोग? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम लोग? जो तुझसे पूछा है वो सच बताना, समझ गया ना? अब बता। जो मैं कह रहा हूँ वो सच ही है। वो लोग गाड़ी में आते जाते हैं, अभी कहाँ है वो? वो कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, वो एक टाइम डिवाइस है। वो कहाँ है? भाई, ये तो सूटकेस दे रहा है। उनको फोन करके बुला। हेलो, यहाँ फोन बंद करके रखो। हेलो, क्या हुआ? उस कुत्ते की वजह से आपकी जान बची है, आपको तो उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू कहानी सुना रहा है। सर, कन्हैया ने यहाँ पर वो पार्थ सारथी को मार डाला।
और अभी फिलहाल वो हमें ही ढूंढ रहा होगा। आपसे जितनी जल्दी हो सके उसे मार डालिए। हेलो सर, सर हेलो सर, मैं तुझे ढूंढता हुआ नहीं आऊंगा, मुझे ढूंढता हुआ तू आएगा। शिट, क्या हुआ? हेलो अनु, कहाँ हो तुम? नहीं, मैं अनु की फ्रेंड राम्या बोल रही हूँ। आ गए आप लोग? कहाँ पर हैं? क्या बोल रही हैं आप? आप ही ने तो मैसेज किया था कि कहाँ हो। मैसेज मैंने अभी अभी देखा, मैंने रिप्लाई भी किया था कि हम लोग मॉल में हैं, इसीलिए पूछा आगे। क्या मैसेज? जरा फोन अनु को दीजिए ना। अनु अभी सेकंड फ्लोर के पार्लर में है, मैं उसे फोन करने के लिए बोलूँ क्या? हाँ बहुत जल्दी है, मैं होल्ड करता हूँ, फोन अनु को दीजिए ना प्लीज। चल चल जल्दी चल। हेलो अनु। अनु पार्लर में नहीं है, वो यही कहीं होगी, आप थोड़ा वेट करो, मैं ढूंढ रही हूँ। अरे थोड़ा जल्दी चलना। सर आपका ही डायलॉग है सर। सर तूने उसे छुआ? सर कैमरा रोलिंग में सर डायलॉग बोली सर, तूने उसे छुआ? सर तूने उसे छुआ? सर बोली भाई, इतना बड़ा डायलॉग पंच के साथ दिया और लड़की को रोलिंग के साथ घुमाया भी, उन्होंने फिर भी उसे हाथ लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, मेरे फैंस को ये सब अच्छा नहीं लगेगा, बेकार है, डायरेक्टर को बुला लाओ। सर कहाँ है इनका फाइट मास्टर? बुलाओ सर, बुला रहे हैं सर। इधर आओ ना। चार पांच लोगों को मार दिया है मैंने, ऐसा रहेगा तो मजा नहीं आने वाला है भाई। अरे तू सर क्या ला रहा है, मैं कोई गेस्ट रोल कर रहा हूँ क्या? हीरो हूँ, फाइट को अच्छी तरह से कंपोज करो भाई। हेलो, यहाँ की प्रॉपर्टी सब कहाँ है? लेकर आओ जल्दी। वो ऊपर जा रहा है। हाँ प्रोडक्शन वाला। ए तुमने कहा था पार्लर में रहोगी, तुमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये लो इलंगो कब से लाइन पर है बोलो। हेलो अनु, मेरी बात सुनो, चेहरा ढक लो। आप भी ना बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं सर। अरे सर आप फाइट सीक्वेंस देखिए, डायलॉग से क्या मतलब है आपको? फाइटर्स आप लोग अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाइए, आप लोग इधर से और आप लोग उधर से आइए। क्या हो रहा है? टाइम नहीं है, बहुत कम है भाई, वो देखो। ए चल 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 चल, एक मिनट। प्लीज सर। मैं सच में इंस्पेक्टर दिख रहा हूँ क्या? मैं तो शूटिंग के लिए आया हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो ओरिजिनल इंस्पेक्टर के पास जाइए। ऐसे कैसे? रेडी रेडी रेडी, चलो सब पोजीशन पे आ जाओ। ए इतने बड़े बड़े बाल क्यों कर लिए तुमने? तुम्हें पोजीशन कहाँ दिया था? अपनी जगह पे खड़े नहीं रह सकते? चलो इधर आओ, और यहाँ से हिले ना तो किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। और मुझे क्यों घूर रहा है, देख मैं करना। ये चाकू यहाँ रखने के लिए दिया है क्या? ये ले इसे पकड़, हाथ में पकड़, ठीक से पकड़, गुंडे की तरह पकड़, ये ले पकड़। सर आप शूटिंग के लिए पुलिस बने, ये बात हम जानते हैं, लेकिन आप उन्हें जाकर के डरा सकते हैं। कम ऑन, रेडी रेडी, वो पुलिस ड्रेस वाले सब लोग यहाँ आ जाइए। अभी आया सर। हाँ रेडी, सब पोजीशन पे आ जाइए। चलिए केक 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 होने वाला है। ए तू कहाँ जा रहा है? शॉट शॉट दिए बिना कहाँ जा रहा तू? तुझे समझ में नहीं आता क्या, क्यों तब से मेरा दिमाग खा जा रहा है? घूर क्या रहा है तू? मेकअप, ब्लड इतना पतला क्यों है? चेंज करो इसे। क्या चल रहा है ये सब? वो कुछ नहीं।
तो फिर तुम्हारा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? वो दौड़ कर आया ना, इसलिए। पर दौड़ कर आए क्यों? हमारे साथ हो क्या रहा है? हाँ, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। मैं जानती हूँ, कन्हैयालाल की वजह से ही प्रॉब्लम है ना। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं ना। टॉपिक क्यों चेंज करते हैं? 3 दिनों बाद हमारी शादी थी, पर अचानक पापा ने हमारी शादी पोस्टपोन कर दी। देखो, साड़ी की दुकान से मेरी साड़ी भी आ गई। आई कांट वेट। फिर एक काम करते हैं, चलो हम दोनों आज ही शादी कर लेते हैं। तुम सच बोल रहे हो? कसम से, विश्वास नहीं हो रहा। ए पुनीत, गाड़ी को मंदिर में लेके चल। ए, मैं भी हूँ गाड़ी में। ए, तू सामने देख और गाड़ी चला। छोड़ मुझे। हम उसे यहीं पे मारेंगे। हम उसे यहां मारेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा यहां। मुझे मेरी परवाह नहीं है, मुझे मेरी अनु चाहिए। लेकिन तू उसे देखने के लिए यहां नहीं रहेगा। पर वो तो जिंदा रहेगी। ठीक है, चलते। नहीं यार, नहीं, जाने दे। जो भी ठीक लगे उसे समझा देना। हाँ।
इसे संभाल ले। कहाँ आ रहे तुम लोग? हैं? तुरंत फैक्ट्री में आओ। कौन है रे तू? चलते कहाँ जाएंगे? मशीन तो है ही नहीं। अरे चल ना, चल। यह इस बार में लेकर क्यों आया है तू? वो देख, जब हमें पहली बार वो मशीन मिली थी तो यही टाइम था, याद है ना? हाँ सही बोला, यहाँ से निकलने के बाद हम पार्सार्थी से टकराए थे। तू ही मेरा दोस्त है। हमें वो मशीन मिली और उसी की वजह से परेशानी शुरू हुई। उसे रोकना होगा, वो मशीन हमें नहीं मिलनी चाहिए। लगता है अकेले मनाना पड़ेगा। अरे देखो, मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना। कहाँ चले अभी? कहीं भी चले, चल। अरे उसके बिना काम नहीं चलेगा मेरा, मेरी बात समझो भाई। हाँ ठीक है, लेकिन पहले तुम सामान तो मुझे दे दो। हैं? अरे मैं कितना, अरे तू समझ यार। नहीं नहीं नहीं, मुझे कल चाहिए। हाँ मुझे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पहुँचा दो। अरे पैसे में, अरे है, मेरी बाइक। Okay.
मशीन मिली उसी की वजह से हमने बिजनेस किया और हमारी गलती की वजह से कन्हैया बच गया और अब हम वापस भी नहीं जा सकते। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं काम पे जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन हमें मशीन नहीं मिलेगी तो हम वापस जाएंगे कैसे? सोच के देख, वो मशीन हमें नहीं मिली होती तो हम यहाँ पर नहीं होते, तो फिर अपनी जिंदगी के 2 महीने पूरी तरह से बदल जाएंगे और हम लोग अपने करंट लाइफ में रहेंगे। तो हमारी जिंदगी में उस 2 महीने में क्या हुआ होगा? पता नहीं, ये अभी मैं अनु को फोन करके बोल देता हूँ। तुमने जैसा बोला मैं काम पे जाने के लिए तैयार हूँ। ए, अब जा। तुम्हें पागल है, पहले रोका फिर जाने को बोल रहा है। जो पुरानी सोच उस वक्त हमारे दिमाग में होगी वही सोच रह जाएगी, बाकी सब सोच खत्म हो जाएगी। तो हमारी जिंदगी में उस 2 महीने में क्या हुआ? पता नहीं। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें हुआ क्या है अनु? उस रात से इन 2 महीनों में अपनी लाइफ में क्या कुछ हुआ था? किस रात की बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा ने मुझे कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाला था ना, वो रात। क्यों, तुम्हें याद नहीं है क्या? चलो निकलो यहाँ से, मुझे तैयार होना है। बताओ ना, इन 2 महीनों में क्या क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं है सच में। देखो मजाक मत करो अनु, तुम्हारी कसम मुझे कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं है मतलब? तुम भूल गए क्या? कहीं चोट वोट लगी है? वो सब कुछ नहीं, तुम बताओ। नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ अनु, बोलो ना। उस रात तुमने मुझे फोन करके कहा। हेलो, तुमने जैसे बोला मैं काम पे जाने को तैयार हूँ, ओके? उसके बाद? उसके बाद मेरे एक फ्रेंड की कंपनी तुमने नेक्स्ट डे ज्वाइन कर ली। थैंक यू सर। और फिर उसके बाद तुम्हारे नए नए आइडियाज से जीएम इम्प्रेस्ड हो गए और तुम अकेले प्रोजेक्ट हैंडल करने लगे। मेरे आइडियाज? हाँ, उसके बाद तुम मेरे पापा से मिले और वो तुम्हें पसंद करने लगे। अपनी शादी के लिए वो मान गए और फौरन हमारी शादी तय कर दी, झट मंगनी और पट ब्याह। और अब हम यहाँ खड़े, देखो मेरी ये साड़ी सिलेक्ट करने वाली भी तुम ही हो। ओके, तो मतलब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आई थी? नहीं आई थी। ए,
सब लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ गप्पे मार रहा है। चल तैयार होके जल्दी आ। कॉन्ग्रेट्स ब्रो, कॉन्ग्रेट्स अनु। थैंक यू। कल रात पार्टी में क्या डांस किया तुमने, सोचा भी नहीं था। कौन है? यही तुम्हारे जीएम है। थैंक यू सर। क्या हुआ इसे? कुछ पूछिए मत सर, पिछले 2 महीनों में इसके साथ क्या हुआ है इसे कुछ याद नहीं है। पिछले 2 महीनों में? एक दो दिन की बात होती तो कुछ करते, 2 महीने तो बहुत मुश्किल है। मेरे दोस्त के साथ भी ऐसे ही हुआ था, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। अरे यार, यार हुआ क्या था? अपना सब अच्छा ही हुआ है, आज मेरी शादी है। क्या बोल रहा है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है तू? तेरी अभी हो रही है, मेरी तो पहले ही हो गई। वो जो मुझे व्हाट्सएप कर रही है, देखा उसे? वही मेरी वाइफ है। उसके बगल में जो सफेद कपड़े में, देखा? वो मेरी ससुर जी है। अरे सुपर यार, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई यार। अरे तू भी बैठना, चल। अपने पास होती तो अच्छा होता ना। नहीं यार, जीवन शांति से जीना है तो कोई मशीन मशीन नहीं चाहिए। हम जो फैसले लेते हैं वो सही होने चाहिए, और वैसे भी हम सब अभी तो खुश हैं। कौन सी मशीन? अरे अनु, वो एक बहुत बड़ी कहानी है, बाद में बताऊंगा। वो उधर देख, अपना पार्सारथी। पार्सारथी बाय। अरे वो तुझे जानता भी नहीं है। वो कौन है? बताता हूं। वो मशीन उस दिन हमने नहीं ली, तो फिर उसका हुआ क्या होगा? वो जहाँ से आई होगी वहीं पर चली गई होगी।